हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैंने मटर पोहा बनाया है और इसी की रेसिपी मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। बहुत ही कम टाइम में ये बनकर रेडी हुआ है, तो चलिए देखते हैं। मटर पोहा बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लेंगे पोहा। पोहा हमको जो है वो मोटा वाला पोहा चाहिए, तो पोहे को हम धो लेंगे अच्छे से, डूबते तक के पानी या इससे थोड़ा ज़्यादा भी पानी डाल सकते हैं। अच्छे से पोहा धो लेना है और इसके लिए मैंने ये छन्नी वाला बर्तन ले लिए। छन्नी आप कोई भी जाली वाला बर्तन ले सकते हैं इसके लिए। इसके ऊपर हम पोहे को निकाल लेंगे जिससे कि उसका जो एक्सेस पानी है वो बाहर निकल जाए, और पोहे को हम निकाल करके फैला के रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए जिससे कि पोहे अच्छे से फूल जाएंगे। तो जब तक पोहा फूलता है हम सामग्री देख लेते हैं इसमें और क्या डालना है। तो मटर पोहे के लिए मैंने फ्राई करने के लिए 2 बड़ी प्याज काट के ले ली है, 1 आलू छील करके चिप्स काट लिए हैं, कड़ी पत्ता, 4 हरी मिर्च, 1.5 चम्मच नमक, 2 चम्मच चीनी, फ्राई करने के लिए जीरा राई, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 कटोरी मटर के दाने हैं। मटर के दाने आप ज़्यादा भी ले सकते हैं आपको पसंद है तो। और प्याज मैंने थोड़े मोटे काट कर लिए हैं, 1 चम्मच तेल और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। अब पोहे को हम और फैला देते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे जिससे कि पोहे और अच्छे से फूल जाए। जितने अच्छे से पोहे फूल लेंगे और खिले खिले रहेंगे उतना टेस्टी पोहा बनता है। देखिए 5 मिनट के बाद में पोहा इतने अच्छे से फूल गया है, बिल्कुल खिला खिला, तो ये पोहा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। इसी तरीके से आप पोहा बनाइए। तो इसमें मैं मिला देती हूँ नमक और साथ ही इसमें चीनी भी हम मिला देंगे, इससे पोहे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नमक पहले मिलाने से अच्छे से नमक एब्जॉर्ब हो जाता है। कढ़ाई मैंने रख दी हूँ गैस पे और इसमें तेल डाल देते हैं। गैस का बटन मैंने ऑन कर दिया है और देखिए तेल गर्म हो गया है, तो इसमें जीरा राई का तड़का दे देंगे। साथ ही सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। प्याज देखिए मैंने थोड़े मोटे काटे हैं, तो मोटे प्याज जब पकते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं पोहे में, इसलिए थोड़े मोटे प्याज ही पोहे में डालिए। और हरी मिर्च को आप बारीक काट करके डाल सकते हैं, अगर आप मिर्च तेज खाना पसंद करते हैं तो आप बारीक काट कर डालिए। और ये सारी चीज़ों को हम धीमी आँच पर पकाएँगे जिससे कि अच्छे से ये पक जाए आलू प्याज। और साथ ही अब इसमें मैं मटर डाल देती हूँ। मटर को बहुत गर्म तेल में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो मटर जो है वो चटकने लगते हैं। और अगर आपकी मटर सॉफ्ट नहीं है या बासी है तो आप उसको थोड़ा सा बॉईल करके डालिएगा, तो जिससे कि मटर बहुत अच्छे से पक जाती है। साथ में मटर डालने से मटर चटकती नहीं है, और अगर आपकी मटर चटक रही है तो आप ऊपर से ढक्कन ढक दीजिएगा। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसमें डाल देते हैं हल्दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में पोहा डाल देंगे। हम चेक कर लेंगे कि आलू पक गए हैं कि नहीं, जब आलू अच्छे से पक जाए उस समय पोहा डाल देना है। तो ये आलू अच्छे से पक चुके थे इसलिए मैं इसमें पोहा डाल देती हूँ और फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देखिए पोहा कितना खिला खिला है और बहुत अच्छे से फूल गया है। तीन से चार मिनट हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो नमक है जो हमने पोहे में डाले हैं वो आलू प्याज और मटर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। देखिए पोहा बनके हमारा रेडी हो गया है। इसको अब मैं प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेती हूँ। तो मैंने बाउल में निकाल लिए हैं और ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे। हरा धनिया जब हम फ्राई करते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा हरा धनिया पसंद है तो फ्राई के टाइम भी आप डाल सकते हैं, और अगर आपको टमाटर पसंद है तो आप टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।